मित्रों, आप मुझे अक्सर पूछते रहते हो कि मेरे पास GST नंबर नहीं है तो मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं। देखो, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जो बिल्कुल GST फ्री है, जिसमें आपको GST नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन पर कोई GST नहीं है। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया। केवल 40,000 की मशीनरी से आप बिल्कुल छोटे पैमाने से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें आपको कस्टमर को न तो कोई गारंटी देनी है न तो कोई वारंटी देनी है। ये बिजनेस पूरी साल चलने वाला है। आप अपनी खुद की ब्रांड बनाकर बिजनेस कर सकते हो। उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कितनी प्राइस है उसमें, क्या ही बिजनेस, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको इस बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बताने वाला हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूँ प्रखा। तो चलिए बिजनेस सीख लेते हैं। देखिए, हमारा देश खेती प्रधान देश है और इस देश में बहुत ही ज़्यादा पशुधन है, हर स्टेट में पशुधन है। तो आज मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जो कैटल फीड रिलेटेड है, यानी कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ मक्का भरड़ा बिजनेस के बारे में, जिसमें आपको सिर्फ मक्का खरीदनी है और उसका भरड़ा बनाना है और मार्केट में सेल करना है। अब कैसे करना है इस बिजनेस को, इसकी पूरी डिटेल आज के वीडियो में हम देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो मक्का भरड़ा है वो कुछ ऐसे स्टार हैं स्टेट है जहाँ शायद नहीं भी चलता है, बाकी जनरल हर जगह ये चलता है। तो आपको पहले मार्केट में जाना है और देखना है कि हमारे यहाँ मक्का भरड़ा का चलन कितना है। अगर बिल्कुल नहीं चल रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है, तो इस बिजनेस को करने में आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर बिक रहा है, लोग बेच रहे हैं, बहुत यूनिट भी हैं, चल भी रहा है, अच्छा चल रहा है, तो आप ये बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकते हो। आपको ये पता लगाना है कि हमारे यहाँ मक्का भरड़ा क्या प्राइस से बिक रहा है और जो मक्का है वो क्या प्राइस से आ रही है। मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ, मैंने मार्केट सर्च पूरी तरह से कर लिया है, मगर आप भी अपने विस्तार में मार्केट सर्च करो, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो वो जगह जगह पर उसका रेट चेंज हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिजनेस को आप 3 टाइप से कर सकते हो। पहला तो आप अपना छोटा सा यूनिट बनाओ और जो प्रोडक्शन तैयार करो उनको सीधा रिटेल में बेचो। कई छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसे हैं, अगर आप गांव में हो, अपने छोटा सा गांव है, तो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो और अपने गाँव में बेच सकते हो, आसपास के गाँव में बेच सकते हो। रिटेल में डायरेक्ट बेचो, रिटेल में डायरेक्ट बेचोगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे रिटेल में तो नहीं बेचना है, तो आप इनको रिटेलर को बेच सकते हो, होलसेल में बेच सकते हो। यह आपको थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, मगर आपका जितना भी प्रोडक्शन तैयार होगा वो जल्दी बिक जाएगा। तो आपको एक एक दो दो बैग बेचनी नहीं पड़ेगी, आप 50, 100, 200, 500 बैग एक साथ बेच सकते हो। और तीसरा यहाँ आइडिया मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको मशीन वगैरह खरीदने नहीं है, आपको अपना खुद का यूनिट नहीं बनाना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि अपने आसपास पास वाले बड़े शहर में जहाँ जो बहुत ही बड़ा मक्का भरड़ा बनाने वाली यूनिट हैं, आप उनके पास से रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। यानी कि आपको केवल अपने ब्रांड के नाम से बैग ही छपवानी है और वो उस पार्टी को दे देनी है, पार्टी आपके ही बैग में माल भरकर आपको बाय ट्रक या ट्रांसपोर्ट में आपको भेज देगा और आप उसको बड़े आसानी से बेच सकते हो। यहाँ मशीन वगैरह आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ उनके पास से माल खरीदना है अपने बैग में और आपको बेचना है। मगर यहाँ एक बात ये भी है कि यहाँ क्वालिटी आपके हाथ में नहीं रहेगी, और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वालिटी की पकड़ अपने हाथ में होनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा प्रिफर आपसे ये करता हूँ कि आप अपना छोटा सा यूनिट लगाइए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अब हम देखते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या संसाधन की जरूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहले आपको एक 400 या 500 फीट के आसपास एक आपको गोदाम लेना होगा। अब देखिए, अगर आप रिटेल करना चाहते हो, अगर गांव में हो तो आप अपने घर से स्टार्ट करें, अगर आप शहर में हो तो आपको जहां लोगों की अवर जवर ज़्यादा हो आपको वहां पर गोदाम लेना होगा, थोड़ा ज़्यादा भाड़ा भी देना होगा, क्योंकि आपको रिटेल में बेचना है तो आपको रिटेल का कस्टमर मिल जाए। अगर आप होलसेल में बेचना चाहते हो कि मुझे होलसेल में बेचना है, तो आप कहीं भी अपना गोदाम ले सकते हो, मगर याद रहे ये जो हाईवे रोड है, रोड के बिल्कुल टच होना चाहिए, क्योंकि जो माल आएगा जाएगा तो अगर रोड होगा तो अच्छा रहेगा। तो आपको रोड टच 400-500 चौरस फुट का एक गोदाम भाड़े पे रख लेना है, ले लेना है। अगर आपका खुद का है तो कोई बात नहीं, मगर अगर आपका खुद का नहीं है तो आपको वही गोदाम भाड़े पे ले लेना है। अब दूसरी बात है इसका रॉ मटेरियल, इसमें रॉ मटेरियल में क्या आएगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मक्का आएगी, इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि आपको और कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदना है, सिर्फ मक्का खरीदनी है। हमारे देश में MP है, UP है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है,
राजस्थान है, बहुत ऐसे स्टेट हैं जहां मक्का होती है और जहां से कम रेट में मक्का मिले वहां से आपको मक्का खरीदनी है। दूसरी बात, ये जो मक्का जो आप खरीद रहे हैं जो एकदम प्योर या हाई क्वालिटी के मक्का आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैटल फीड में जाता है तो कैटल फीड की थोड़ी कम क्वालिटी वाली मक्का आराम से इसमें आपको चल जाएगी। उसकी प्राइस वगैरह क्या है वो सब हम आगे देखते हैं। तो ये दो बातें होगी, रॉ मटेरियल आपने पहले गोदाम रख दिया, फिर रॉ मटेरियल खरीदा, फिर बात आएगी मशीनरी की कि तो आपको मैं प्रिपेयर ये करता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ही छोटे पैमाने से बहुत ही छोटा मशीन खरीदना है। ये जो आप डिस्प्ले में आप मशीन देख रहे हो इस टाइप की मशीन है, ये मशीन 3 HP की है। ऐसी 3 HP की भी मिलेगी आपको, 5 HP भी मिलेगी, इसमें जितनी जितनी थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी मशीन आती जाती हैं। तो आपको स्टार्टिंग में 3-4 HP की ऐसी मशीन आपको खरीद लेनी है और ये मशीन आपको मार्केट में इजीली 30,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ये मशीन की प्राइस जो है वो 32,000 रुपये है। तो आपको 30,000, 32,000, 35,000 में आपको ये मशीन मिल जाएगी। इसकी इससे बहुत ज़्यादा पैसा आपको खर्च नहीं करना है इसमें, बहुत ही पार्टी है पूछ लेना है, जिनके पास से आपको अच्छी मशीन मिले उनके पास से खरीदनी है। और दूसरा, आप पूरे दिन इस मशीन काम करेगी तो कम से कम ये 100 बैग तैयार करेंगी, यानी कि अगर हम 40 किलो की भर्ती मान के चले तो थोड़ी बड़ी मशीन लेनी है। पहले थोड़ा 5-10,000 ज़्यादा देना पड़े तो 5,000 ज़्यादा दे देना, मगर थोड़ी बस बड़ी मशीन लेना ताकि कम से कम 100 बैग तो शाम होते होते अपना प्रोडक्शन तैयार कर ही दे। वो पूरी आप बात जो है वो आपको मैन्युफैक्चर पार्टी से एकदम क्लियर कट पता कर लेनी है, फिर मशीन खरीदनी है। तीसरी बात यह है कि जो मक्का आपने मक्का से अपने भरड़ा तैयार कर दिया, अब क्या करोगे, बस उसको बैग में भरोगे। तो बैग में भरने के लिए आपको बैगें खरीदनी होगी, यानी कि अपनी ब्रांड की बैग आपको खरीदनी होगी। जो बैग है उस पर आपको अपनी ब्रांड का प्रिंट कराना होगा और उस बैग को आपको खरीदना होगा। यहाँ क्या है कि मेरे हिसाब से कम 1,000 बैग का आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। 1,000 से कम बैग शायद आपको न भी मिले, अगर किसी के पास से मिल जाए तो बहुत अच्छा, मगर 1,000 बैग का आपको कम से कम ऑर्डर देना होगा। और अपने ही ब्रांड में खरीदनी है, अपना ब्रांड का लेबल लगा के आपको खरीदनी है, बिल्कुल प्लेन बैग नहीं खरीदनी है। फिर आप मक्का भरड़ा बैग में भर दोगे, उसके बाद उस बैग को सिलाई करनी होगी। तो सिलाई करने के लिए इस टाइप की मशीन आपको मिलेगी जो उसको सिलाई मशीन बोलते हैं, जिसको बैग क्लोजर सिलाई मशीन बोलते हैं। तो ये आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ये मक्का भरड़ा है वो तैयार हो जाएगा। देखिए, अब आपको यहाँ कम से कम 3 लेबर रखने होंगे, जो 2 प्योर लेबर होंगे और 1 जो लेबर होगा वो थोड़ा पढ़ा लिखा वो आपको रखना है, ताकि वो यूनिट संभाले, क्योंकि आप 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर आपने यूनिट स्टार्ट करने के बाद जो मक्का तैयार होगी उसको आपको मार्केटिंग के लिए जाना पड़ेगा, मार्केट में बेचने के लिए, तो यहाँ यूनिट में कौन रहेगा। तो इसमें 3 लेबर में से 1 लेबर ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा बड़ा लिखा हो तो वो आसानी से यूनिट संभाल सकता है। तो 3 लेबर आपको मान के चलना है स्टार्टिंग में। या आप इस टाइप का लेबर रखना नहीं चाहते हो और आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कम हो तो आप अपना एक पार्टनर रख सकते हो जो मार्केट में थोड़ा एक्सपर्ट हो, तो वो मार्केटिंग करेंगे, आप यूनिट पर रह सकते हो, या आप मार्केटिंग करें वो यूनिट पर रख सकता है। तो आप जो 2 लोग होंगे तो 1 मार्केटिंग में रहेगा, 1 यूनिट में रहेगा, ये सबसे अच्छा होगा। और बाकी आपको 2 लेबर रखने हैं जो ये सब काम करेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद आपको ये प्रश्न होता होगा कि भी ये उसका जो रॉ मटेरियल है, अगर हम आउट ऑफ स्टेट से मंगवा रहे हैं, अगर आपके अपने स्टेट में हो रहा है या आप लोकल से खरीद रहे हैं तो बात ठीक है, आप 50 बैग भी खरीद सकते हो, 100 बैग भी खरीद सकते हो, मगर अगर आप आउट ऑफ स्टेट से मंगवा रहे हो तो आउट ऑफ स्टेट में क्या है कि 20 टन से कम गाड़ी आपको नहीं मिलेंगी, कम से कम 16 टन मिलेगी, इससे कम तो आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो थोड़ा उसका जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके यहाँ जो दूसरे लोग हैं जो केवल मक्का बेचते हैं या मक्का भरड़ा बेचते हैं, आप उनके साथ कोलाबोरेशन कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो कि भैया मुझे 100 बैग चाहिए, आप मेरे लिए 100 बैग मंगवा दो, मैं आपको पर बैग 5 रुपये अलग से दे दूंगा। तो आप तो 100 बैग आपको उसकी जो गाड़ी आएगी उसमें आपको 100 बैग आ जाएगी और आपको पर बैग 5-5 रुपये उसको देना होगा, तो 500 रुपये दे देना, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा, मगर आपको 50 बैग 100 बैग उस टाइप से आपको मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपको तुरंत ही 20 टन की बड़ी गाड़ी का ऑर्डर दे देना और गाड़ी मंगवा देना ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में 50 बैग 100 बैग अपने लोकल में ही मिल जाएगा तो वहां से आपको स्टार्ट करना है, मगर रेट आपको पूरी गाड़ी का लगवा लेना है, यानी कि पहले आपको पता कर लेना है कि भी अगर मैं 20 टन की पूरी गाड़ी मंगवाऊंगा तो मुझे क्या रेट से मक्का मिलेंगी। ये रेट को आपको मान के आगे चलना है। फिर आप स्टार्टिंग में लोकल से लोगे तो थोड़ा ज़्यादा रेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में आप जब 20 टन की गाड़ी या पूरी गाड़ी मंगवाओगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा।
अब हम देखते हैं कि इस बिजनेस में हमको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। देखिए, अगर रॉ मटेरियल की बात करें, अगर मैं अपनी गुजरात की बात करूं, मैंने मार्केट में जब पता लगवाया तो ये जो कैटल फीड मक्का है वो अभी 1250 रुपये, 1280 और 1300 रुपये के आसपास यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम 1300 रुपये मानकर चलते हैं, तो अगर हम एक क्विंटल की बात करते हैं तो एक क्विंटल में हमें 1300 रुपये रॉ मटेरियल के देने होंगे। अब इनके ऊपर और क्या क्या चार्ज लगेगा, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आप अपने यूनिट में पर डे 100 बैग तैयार कर रहे हो और आपके अगर 3 लेबर रख रहे हो आप, तो कम से कम 1000 रुपया आपको पर डे लेबर को देना होगा। यानी कि 2 लेबर का 300-300 दोगे, 1 लेबर को 400 दोगे, तो 1000 रुपया हो जाएंगे। और 100 बैग पर डे बनेगी तो आपको 10 रुपया पर बैग लेबर चार्ज लग जाएगा। देखिए, जो बड़े यूनिट हैं जो मैंने देखे हैं, वो लोग तो ये बोलते हैं कि हम लेबर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि वो सारा काम लेबर करते हैं, हमको कुछ करना नहीं है। मगर पर बैग हम लेबर को 20 रुपये देते हैं। तो जो बड़े यूनिट में 20 रुपये हैं, मगर आपका छोटा यूनिट है, आपको 10 रुपये में काम चल जाएगा। तो अगर आप, तो आपको होगा कि बड़े यूनिट तो कैसे प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि ये लोग बड़ी क्वांटिटी में माल मंगवाते हैं और बड़ी क्वांटिटी में बेचते हैं, तो इनको प्रॉफिट होता है। तो 10 रुपया लेबर का चार्ज हो जाएगा। फिर बात आती है बैग की, आपको बैग खरीदनी होगी अपनी प्रिंटेड। तो ये जो बैग है मार्केट में 10 रुपये से लेकर 18 रुपये तक जाती हैं आगे आगे। तो 10 रुपये के जो बैग है वो तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब होगी, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। तो आपको मान के चलना पड़ेगा 15 रुपये, बीच वाली आपको खरीदनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं खरीदनी है, बहुत ज़्यादा लो नहीं खरीदनी है। 15 रुपये के आसपास के जो बैग आते हैं, अच्छी बैग आएगी, अच्छी आपको बैग मिल जाएगी, प्रिंटेड के साथ आपको 15 रुपये बैग मिल जाएगी। तो 15 रुपये हम बैग का जोड़ते हैं। फिर आपका जो यूनिट चल रहा है उसमें जो भाड़ा होगा, जो गोदाम आपने रखा उसमें भाड़ा आपको देना होगा, जो और स्टाफ है उसको, कोई और एक दो स्टाफ है उसको आपको खर्चा देना होगा, और भी कुछ खर्चे होंगे, वो इलेक्ट्रिक का बिल भी आएगा। तो ये सब हमने 15 रुपये जोड़े उसमें, तो ये कुल मिला के 40 रुपये हो गए। अब ये 40 किलो की अगर एक बैग आप बनाते हो तो इसके ऊपर 40 रुपये खर्चा लग जाता है, यानी कि एक क्विंटल पर आपको 100 रुपये खर्च हो जाएगी। तब ये 1300 रुपये में आपने मक्का खरीदी तो भरड़ा जो बनेगा वो 1400 रुपये हो जाएगा, और आपको मार्केट में उसको 1450 रुपये में बेचना है, यानी कि पर क्विंटल आपको 50 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम उसको बैग में डिवाइड करें तो पर बैग आपको इसमें 20 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा आपको। 20 रुपया आपको मान के चलना है। अगर आप होलसेल में बेचोगे तो 20 रुपया मिलेगा, अगर आप उसका रिटेल करोगे तो आपको 30 भी मिल सकता है, 50 भी मिल सकता है, और होलसेल में कहीं कहीं आपको कहीं पर ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ये मार्केट पर आधार है। मगर ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20 रुपया तो आपको मान के ही चलना है। तो 20 रुपया पर बैग मिलेगा। अगर आप पर डे 100 बैग बना रहे हो तो 2000 रुपये हुए, और 25 दिन अगर आप काम करोगे, 30 दिनों की अगर हम बात करें तो 25 दिन काम करोगे आप, तो भी आपको हर महीने 50,000 रुपये आराम से कमा सकते हो, 40,000 रुपये तो कमा ही सकते हो। अच्छा बिजनेस है, 40-50 हज़ार का मशीन आएगा और 40-50 हज़ार रुपये आप हर मंथ उसके प्रॉफिट कर सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें आपको कोई क्वालिटी की बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, बस आपको सिर्फ मक्का देखनी है और आपको ये देखना है कि इसमें मॉइस्चर कितना है, यानी कि वो भीगी तो नहीं है ना, बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है, बस बाकी मशीन में डाल दी और भरड़ा बन जाएगा। और तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी इसमें लगाना नहीं है। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रोडक्शन यूनिट में जहाँ मक्का भरड़ा तैयार हो रहा है। तो चलिए फिर यहाँ चलते हैं। ये यूनिट आप देख रहे हो, ये यूनिट आज से 6 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तब ये इतना बड़ा नहीं था, केवल 30,000 रुपये के मशीन से इन्होंने यूनिट स्टार्ट किया था और आज इतना बड़ा यूनिट है। तो ये जो भाई ने जो यूनिट बनाया है, ये 6 साल पहले बनाया था और उस वक्त बहुत ही छोटे 30,000 के मशीन से उन्होंने स्टार्ट किया था, 400-500 चौरस फुट गोदाम की ज़मीन में, और आज ये यूनिट अपना खुद का है, ये ज़मीन उनकी खुद की है और बड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ये काम कर रहे हैं। अब जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं पर डे 500 बैग मक्का भेड़ा की सेल कर रहा हूँ। अगर हम 10 रुपया प्रॉफिट गिने ना तो भी ये 5000 रुपये हो गए। उसके साथ और भी ये बाजरा भी सेल कर रहे हैं, डायरेक्ट मक्का भी सेल कर रहे हैं, और भी 2-3 कैटल फीड हैं वो सेल कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और बेच रहे हैं, वो अलग हैं। यानी कि कुल मिला के उनकी फैक्ट्री में पर डे 1000 से ज़्यादा बैग का प्रोडक्शन हो रहा है। ये मक्का है, देखो अब ये मशीन है इनका जिसमें मक्का तैयार हो रही है, और ये मक्का मशीन में मक्का डाल रहे हैं। तो यहाँ जो ये तो
हाँ, थोड़ा बड़ा यूनिट है और बिल्कुल तैयार है। मैंने आपको छोटा यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले आप छोटा बनाना है, फिर स्टार्ट करना है और अच्छे से आपको चले, फिर आप ये बड़ा भी कर सकते हो। तो ये मक्का इसमें डाली जा रही है, जब मकान से मशीन में ऊपर जा रही है और वहाँ अंदर उसका जो वो भरड़ा बन रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर भरड़ा आ रहा है और ये बैग में पैक की जा रही है। मैं आपको यहाँ एक बात ये बताऊँ, ये जो पैक कर रही है आपको दिखाने के लिए, हम यहाँ पर पैक करेंगे और खाली करेंगे, मगर यह ऐसे डायरेक्ट सीधा पैक नहीं किया जा सकता है। पहले उसको वो भरड़ा बनते हैं, फिर कुछ समय तक उसको वहाँ रखते हैं, यानी कि वो ठंडा हो जाएगा तभी बैग में पैक करना है। ऐसे डायरेक्ट गर्म पैक नहीं करना है, ये अभी थोड़ा गर्म है, डायरेक्ट पैक नहीं करना है, मगर ये शूट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये लोग बाद में बैग खाली कर देंगे। अब यहाँ ये 40 केजी की बैग बनेगी और फिर देखिए, अब सिलाई मशीन आप देख रहे हो, वो इससे यहाँ पे ये सिलाई कर रहे हैं। तो ऐसा सिलाई मशीन आपको खरीदना है, इस टाइप की आपको बैग खरीदनी है, और मशीन इस टाइप की नहीं खरीदनी है, मशीन ही तो बहुत बड़ी है, आपको छोटी मशीन खरीदनी है। ये मक्का में कितना मॉइस्चर है उसको चेक करने की मशीन है, इसमें आप दाने डालकर चेक कर सकते हो कि जो मक्का आपने मंगवाई है उसमें कितना मॉइस्चर है। तो ये मशीन भी आप चाहो तो ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि मक्का में कितना मॉइस्चर है। तो ये मक्का भरड़ा का यूनिट था जो मैंने आपको बताया। आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।